हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि भट्ट। आज बनाने जा रहे हैं हम कुलथ की दाल का फाणू, जो कि गढ़वाल में बहुत ही फेमस है। और ये दाल है जो मैंने रात भर से भिगा दी थी, तो ये सुबह तक ऐसे फूल जाएगी। तो अब हम इसे सिलबट्टे में पीस लेंगे। और हमने ये यहाँ पे कुलथ की दाल को अच्छे से पीस लिया है। इसे ना तो ज़्यादा बारीक करना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। और इसी के साथ हम थोड़ा सा लेंगे लहसुन और अदरक का टुकड़ा और इसे भी अच्छे से पीस लेंगे। फाणू बनाने के लिए हम लेंगे एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, और इसमें हम ऐड कर देंगे जख्या। और जब तक जख्या गर्म होता है हम इसे होने देंगे। और यहाँ पे हमारी कुलथ की दाल पिसी हुई, और इसमें हम थोड़ा सा मिला देंगे हल्का सा नमक और हल्की सी मिर्च मिला देंगे, ताकि जो नमक और मिर्च है इसका फ्लेवर इसमें अच्छे से बैठ जाए, अच्छे से गर्म हो जाए। तो इसमें हम मिला देंगे कसूरी मेथी, थोड़ी सी कसूरी मेथी, लहसुन के हरे पत्ते जो मैंने बारीक काट लिए हैं, इससे बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है। और जो इधर कुलथ की दाल में हमने नमक मिर्ची और लहसुन अदरक का पेस्ट मिलाया है, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और तेल में हम इसे डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से गोलाई में इसे फैला देंगे। ध्यान रखिए कि आपका हाथ जले नहीं। और इसे थोड़ी देर तक ऐसे ही पकने देंगे। और 2 मिनट तक इसे हाई फ्लेम में पकाएंगे। और इसे हल्का सा जब ये क्रंची हो जाए नीचे से, तो इसे पलट देंगे। और थोड़ा सा हल्का सा इसे दूसरी साइड से भी पकने देंगे। जब तक ये इधर पकता है हम इसमें डाल देंगे हरी प्याज, ताकि ये भी अच्छे से पक जाए। हरी प्याज से इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको हरी प्याज पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर। और
उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी जो कि कुलथ का दाल का ही बचा हुआ है। और थोड़ा सा इसे मैश कर देंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें मसाले। नमक हमने पहले भी मिला रखा है तो इसमें हम थोड़ा सा और नमक मिलाएंगे, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच नमक मिलाएंगे। और मिर्ची हमने थोड़ा सा पहले भी मिला रखी है तो हम थोड़ी हल्की सी मिर्ची और ऐड करेंगे। आधी चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर और इन्हें अच्छे से मिला देंगे। मसाले इसमें अच्छे से मिला लेंगे। और मसालों को थोड़ी देर तक इसी तरह पकने देंगे। और इसमें ऐड कर देंगे हम एक गिलास पानी। पानी को इसमें अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और अगर आपको ये थोड़ा सा मोटा लगता है तो इसे हल्का सा इसमें पानी और ऐड कर देंगे। तो मैं इसमें हाफ कप पानी और ऐड कर रही हूँ क्योंकि अभी जब ये पकेगा तो ये मोटा हो जाएगा। और इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे और इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहें क्योंकि ये नीचे चिपकने लगता है। और 10 मिनट बाद हम इसे देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये अच्छे से पक चुका है और अब हम इसे बंद कर देंगे और इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। और ये इस तरह से हमारा तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और आप चाहे तो इसे रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं और बाड़ी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी ही और भी बेहतरीन रेसिपी देखने के लिए।